दिस इज केजल मेहता, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू हाइड टमी फैट विदाउट टमी टकल। यस, हम ऐसे ड्रेसेस पहन सकते हैं, ऐसे कपड़े पहन सकते हैं जिससे हमारा टमी भी नहीं दिखेगा और हम स्टाइलिश भी दिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरा फर्स्ट स्टाइलिंग टिप है पेप्लम टॉप। पेप्लम टॉप होता क्या है, ये आपके ब्रेस्ट एरिया से स्ट्रेट रहता है और नीचे जाके फ्लेयर बनता है। तो ये यूज़फुल रहता है टमी को हाइड करने में, और अभी पेप्लम टॉप ट्रेंड में भी है और ये बहुत स्टाइलिश भी दिखते हैं। तो आप इसे पहन सकते हैं और स्टाइलिश दिख सकते हैं और अपना टमी भी हाइड कर सकते हैं। मेरा सेकंड स्टाइलिंग टिप है हाई वेस्टेड जीन्स, हाई वेस्टेड जैगिंस, जो आपको सूटेबल हो आप वो पहन सकते हैं। इससे आपका टमी अंदर चला जाएगा और आप इस पर क्रॉप टॉप भी पहन सकते हैं। जिनको क्रॉप टॉप पहनने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ टमी, तो इसके साथ आप क्रॉप टॉप भी पहन सकते हैं और कोई भी टॉप पहन सकते हैं, टकिंग करके भी पहन सकते हैं। तो हाई वेस्टेड जीन्स बहुत यूज़फुल रहता है टमी को हाइड करने के लिए। मेरा थर्ड आउटफिट है, थर्ड स्टाइलिंग टिप है मैक्सी ड्रेस। ए लाइन मैक्सी ड्रेस होता क्या है, ऊपर से स्ट्रेट होती है ब्रेस्ट लाइन से और वेस्ट लाइन तक जाते हुए वो फ्लेयर होती है, तो उसमें आपका टमी हाइड हो जाएगा। तो ए लाइन वाली कोई भी कुर्ती, फ्रॉक या मैक्सी ड्रेस आप पहन सकते हैं और स्टाइलिश भी दिख सकते हैं। तो यस, ये विदाउट टमी टकर आप ये यूज़ कर सकते हैं। मेरा फोर्थ स्टाइलिंग टिप है ब्लैक ऑन ब्लैक। कोई भी डार्क शेड आप पहन सकते हैं और जब दोनों मोनोक्रोम होंगे तो ज़्यादा ही स्टाइलिश भी दिखेंगे और आपका फैट भी छुप जाएगा, फिर वो थाई साइज का फैट हो या टमी का हो। फिफ्थ स्टाइलिंग टिप है जैकेट या श्रग या ओवर शर्ट जैकेट पहन सकते हैं आप और बहुत स्टाइलिश भी दिख सकते हैं। इसको आप जीन्स के साथ या फिर वन पीस के साथ भी पैर कर सकते हैं या आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएगा। तो यस, ये मेरा फिफ्थ स्टाइलिंग टिप है। तो मुझे बताइए मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर यूज़फुल है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर भी करें। थैंक यू।